दिनांक 17 को ईद का त्योहार है, उसमें नमाज का समय क्या रहेगा, नमाज कहाँ कहाँ अदा होगी, शहर में हमें ट्रैफिक की व्यवस्था को लेके नमाज अदा जो करने जाएंगे उनको शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से नमाज अदा हो जाए, इस विषय पे सबसे सुझाव लिए चर्चा की। शेठ जी की मीटिंग में अंदर सीओ साहब ने बुलाया सबको, इनके सुझाव मांगे और जो भी सुझाव था वो सबने दे दिया। भाई नमाज का टाइम जैसे 6:30 बजे का है, उसके बाद में कुर्बानी है और ऐसी कोई बात नहीं है। सार्वजनिक स्थान पर तो मेरी तरफ से भी मैं ये मेरी बिरादरी को संदेश देना चाहता हूँ, कोई भाई भी सार्वजनिक जगह के ऊपर कुर्बानी न करके अपने घरों के अंदर ही करे तो बेहतर है, ताकि गांव का वातावरण सही बना रहे, गांव का माहौल सही बना रहे, भाईचारा बना रहे। जी ईदगाह में 6:30 बजे रहेगी नमाज। नई ईदगाह के अंदर 6:30 बजे की फिक्स नमाज का टाइम है। जी जैसे कि आपको पता है कि 2 दिन बाद ईद उल अजहा का त्योहार है, उसको लेकर सीएलजी सदस्यों की सामान्य सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे नवलगढ़ के डिप्टी साहब और नवलगढ़ सीआई साहब, उन्होंने व्यवस्था के लेकर आम जन को बुलाया था, खास करके मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाया था कि भाई किस प्रकार नमाज का टाइम रहेगा, क्या टाइम रहेगा और क्या गैदरिंग रहेगी, तो उसको लेकर चर्चा हुई है। और दोनों बड़ी ईदगाह में जो नमाज होगी उसमें प्रशासन की जो व्यवस्था रहती है उसको लेकर बात हुई है, और उसके अलावा त्योहार पर क्या क्या होगा इसके लेकर बात हुई है। तो आप सभी को मैं आपके माध्यम से नवलगढ़ की जनता को अग्रिम में बधाई देता हूँ, और मिलजुल कर भाईचारे से ईद का त्योहार हम पूरे नवलगढ़ वासी जिस प्रकार मनाते आए हैं, इस प्रकार भी आमजन एक साथ मिलकर आपसी भाईचारे के साथ त्योहार को मनाएंगे।